देश भर में हुई ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बीच बोकारो पर सबकी नज़र टिकी हुई है। सड़क मार्ग से तो पहले ही टैंकरों के माध्यम से ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन अब 18 टैंकर वाली स्पेशल ट्रेन से देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। यह खबर पूरे देश में राहत देने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने के लिए ज़रूरत हो तो उद्योगों में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए। ऐसे में देश भर की निगाहें झारखंड के बोकारो पर आकर टिक गई है। रेल मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि लखनऊ से बोकारो और बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की जा रही है। अकेले बोकारो स्टील प्लांट प्रत्येक दिन रोज 90 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन देने को तैयार है। बोकारो से ऑक्सीजन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को भी भेजी जा रही है। यह आपूर्ति सेल की पार्टनर कंपनी आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। ऑक्सीजन कब यहाँ से जाएगा? जानकारी तो मिली कब से, मैंने आज से ही लोड होना था लेकिन प्लेटफार्म के चलते थोड़ा विलम्ब हो रहा। तो क्या प्लेटफार्म बना दिया गया? अब प्लेटफार्म तो बन गया, रैक भी लग गया। तो हो सकता है कल से चालू हो जाए। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार है।